थ्री पॉइंट लिंकेज, ट्रैक्टर में थ्री पॉइंट लिंकेज, एक अपर लिंक और दो लोअर लिंक, इन तीनों लिंक के कॉम्बिनेशन को थ्री पॉइंट लिंकेज कहा जाता है। थ्री पॉइंट लिंकेज को ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ट्रैक्टर के थ्री पॉइंट लिंकेज के कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक शाफ्ट लगी होती है जिसके दोनों तरफ लिफ्ट आर्म लगे हुए हैं। प्रत्येक लिफ्ट आर्म से लिफ्ट रॉड लगी हुई है और लिफ्ट रॉड लोअर लिंक से कनेक्ट होती है। राइट साइड की लिफ्ट रॉड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक उसको एडजस्ट करने का लीवर दिया हुआ है जिससे हम लोअर लिंक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इस लोअर लिंक को एडजस्टेबल लोअर लिंक बोलेंगे। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो इस लिफ्ट रॉड को एडजस्ट करने का कोई लीवर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह जिस लोअर लिंक से कनेक्ट होगा उसे हम नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक बोलेंगे। इसे टॉप लिंक या फिर अपर लिंक बोलते हैं जो कि ट्रैक्टर के सेंसिंग ब्रैकेट से लिंक होती है। पास में देखेंगे तो यहाँ पर एक फीडबैक रॉड लगी हुई है। फीडबैक रॉड सेंसिंग करके ऑटोमेटिक डेप्थ और ड्राफ्ट को भी कंट्रोल कर सकती है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्टर कंपनियाँ सेंसिंग ब्रैकेट में टॉप लिंक को लिंक करने के लिए कई नंबर ऑफ होल्स देती हैं। जो होल फीडबैक रॉड के पास में होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार और उसको कितनी सेंसिंग की आवश्यकता है इम्प्लीमेंट में, उसके हिसाब से उन होलों का चुनाव करके टॉप लिंक को लिंक किया जा सकता है। यहाँ पर एक हिचिंग ब्रैकेट लगा हुआ है। हिचिंग ब्रैकेट का यूज़ हम विभिन्न प्रकार के ट्रेल टाइप इम्प्लीमेंट, ट्रॉली आदि को हिच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हिचिंग ब्रैकेट की हाइट को हम आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोनों लोअर लिंक के बीच में ब्लैक कलर की इसे ड्रॉबार पट्टी बोलते हैं। दोनों लोअर लिंक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर स्टेबार लगी हुई है। स्टेबार का यूज़ करके हम लोअर लिंक को जब हम फील्ड में ऑपरेशन कर रहे हों या फिर ऑन रोड ट्रैक्टर को चला रहे हों तो लोअर लिंक को ट्रैक्टर के टायर से टकराने से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्टरों में स्टेबार की जगह पर चक चैन का भी यूज़ किया जाता है जिनकी डिज़ाइनिंग अलग अलग होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टॉप लिंक या अपर लिंक को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी लंबाई को हम कम कर सकते हैं। ऐसा करके हम इससे जुड़े हुए किसी भी इम्प्लीमेंट को लेवल में हम कर सकते हैं। राइट साइड की जो लिफ्ट रॉड है उसको एडजस्ट करने का एक लीवर दिया हुआ है जिसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हम इम्प्लीमेंट की वर्टिकल डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको टॉप लिंक या अपर लिंक बोलते हैं। टॉप लिंक जो सेंसिंग ब्रैकेट से लगी हुई है, टॉप लिंक का वो एंड जो सेंसिंग ब्रैकेट की तरफ लगा होता है यानी ट्रैक्टर से लगा होता है उसे हम अपर लिंक पॉइंट बोलेंगे, और टॉप लिंक का दूसरा हिस्सा जो कि इम्प्लीमेंट से लगा होता है इसे हम अपर हिच पॉइंट बोलेंगे। ऐसा ही हम लोअर लिंक में देखेंगे। लोअर लिंक का वो एंड जो ट्रैक्टर की तरफ जुड़ा हुआ है इसे हम लोअर लिंक पॉइंट बोलेंगे, और दूसरा एंड जो इम्प्लीमेंट को लिंक से जोड़ता है उसे हम लोअर हिच पॉइंट बोलेंगे। एडजस्टेबल लोअर लिंक को एडजस्ट करने का जो लीवर दिया हुआ है इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लोअर लिंक नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम पूरा घुमाकर लोअर लिंक को नीचे कर देंगे। ग्राउंड सरफेस से लोअर लिंक की जो हाइट होगी इसे लोअर हिच पॉइंट हाइट बोलेंगे। एडजस्टेबल लोअर लिंक और नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक की दोनों की हाइट में आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं ड्रॉबार बिल्कुल इंक्लाइंड हो गई है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लेवलिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टेबल लोअर लिंक को एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाकर उसकी हाइट को कम करेंगे जिससे हम इम्प्लीमेंट का लेवलिंग एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट की ग्राउंड सरफेस से वर्टिकल हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं।
लिफ्टिंग कंडीशन में लोअर लिंक जितना अधिकतम ऊपर जाती है उसको मोमेंट रेंज बोलते हैं। मोमेंट रेंज और लोअर हिच पॉइंट हाइट दोनों को मिलाकर टोटल को ट्रांसपोर्ट हाइट बोलते हैं।